नैनास किचन। तो आज आप बनाने जा रहे हैं सिंपल चिकन करी। चिकन करी कह लो या जितना आप करी वाला चिकन करी बनाने हैं वो चीज़। तो आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके ना बनावेंगे, नॉर्मल सारियाँ मैं चीज़ें दस दी जाऊँगी। ये मेरे को है प्याज, मैं 3 प्याज मीडियम साइज दे ब्लेंड कर ले है। और मैं तेल एक कड़छी लिया सी आ वाला, उन्हें गर्म होने तो बाद मैं सारा प्याज ये पा दूंगी। तेल गर्म होने तो बाद आपां इहदे च पाया सिर्फ और सिर्फ प्याज। ठीक है, हुण आपां इहनूं करन देना है, उन्नी देर तक आपां इहनूं सौटे करना है जब तक प्याज चंगी तरह भुज नहीं जाता। तो इहनूं लगनगे 2 to 3 मिनट और तद तक आपां इहनूं चंगी तरह इदां हिलाते हुए भुनते रहना। तो फ्रेंड्स देखो हुण काफ़ी हद तक साडा प्याज भुन लिया। आपां हुण आपां पावांगे इहदे च लसन और अदरक का पेस्ट। कई लोग पहला भी पाते हैं बट अगर आप इस टाइम पर पाइए तो ज़्यादा बैटर है। तो आप हम पाते हैं थोड़ा आप इनू 1 to 2 मिनट पकावे ताकि जोड़ा लसन और अदरक है ये चंगी तरह ये जी खुशबू है वो आन लग जाए। तो हम जिदा तुम देखिए अपना लसन और अदरक का पेस्ट पाने तो बाद आप 2 to 3 मिनट पका लिया, काफ़ी हद तक अपना प्याज भुन गया। हुण आप इहदे च पावांगे 2 मीडियम टमाटर की प्योरी। तुसी इहनू ब्लेंड भी कर सकते हो, तुसी इहनू कद्दूकस भी कर सकते हो, तुहाडे अपने ते है। हुण जब तक ये टोटल मसाला चंगी तरह भुज नहीं जाता तद तक असी इहनू भुनते रहांगे। हुण ये डिपेंड करता है कि किन्नी देर च भुजदा है। ठीक है, तुसी इहनू जे ज़्यादा जल्दी है तो इहदा एक ऑल्टरनेट हैगा, तुसी इहनू कुकर दे विच भुन लो, थोड़ा जिहा पानी पा दो कड़छी को ते इहनू कुछ विस्लां करवा दो। तो अगर तुसी जल्दी चाहो तो यह जल्दी भुज जाएगा, पर अगर तुसी जल्दी च नहीं हो तो इहनू इदा ही कढ़ाई दे विच हौली हौली भुजी जान दो। जिन्ना मसाला भुजूगा उन्ना ही तुहाडा चिकन बहुत वधिया बनूगा। सो मेन इहदे विच हैगा मसाला जिहड़ा कि जरूरी है भुजना, आपां इहनू कवर कर देंगे ताकि ये छेती भुज जाए। तो हुण आपां देखते हैं कि अपना मसाला किस हद तक तैयार है। सी बहुत चंगी तरह भुज चुका है सारा कुछ, मैंने तकरीबन 20 to 25 मिनट पका लिया। ठीक है, तुसी चाहो तो इहनू वध घट अपने हिसाब नाल भी पका सकते हो। कई घट पकाते हैं, कई ज़्यादा भुनते हैं, तो मैं ज़्यादा भुनिया क्योंकि कहते जिन्ना भुने उन्ना ही स्वाद। तो हुण इहदे विच तुसी देखो आपां की पाना है। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा ताम जाम नहीं और ईजी टू कुक आ। नमक स्वाद अनुसार, मिर्च स्वाद अनुसार, गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर ते चिकन पाउडर। ठीक है, चिकन मसाला पाउडर जो मर्जी कह लो, ये सारिया चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। ये अपने स्वाद अनुसार 1 चम्मच तीनों चीज़ा गर्म मसाला, चिकन मसाला, धनिया पाउडर ते जीरा पाउडर और तकरीबन 1 to 1.5 चम्मच हल्दी। मैं उन सारा कुछ कट्ठे ही पा दूंगी क्योंकि मेरे को तकरीबन 1 किलो दे मेजरमेंट के हिसाब नाल हैगा चिकन, तो मैं उस हिसाब नाल ये चीज़ा पाई हैं। तुसी इन्हां नूं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वध और कट कर सकते हो। हुण आपां सारे मसाले पा के, क्योंकि तुसी देखिया मैं ज़्यादा ऑयल नहीं पाया क्योंकि कितने ना कितने जो असीं चिकन बनाने हैं तो चिकन भी अपना ऑयल छड़ देता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा ऑयल नहीं पाना होंगे। तुसी मेरा पहला मसाला देखा, बिल्कुल जब मैं सारा कुछ पाता तो तेल की क्वांटिटी बिल्कुल खत्म वगू हो गई सी, जबकि पहला देखने से लगता सी कि तेल शायद ज़्यादा। तो हुण आपां सारा पा लिया समान, बहुत सोहनी खुशबू हुणे ही आन लग गई क्योंकि चिकन मसाले की अपनी एक बहुत वधिया स्मैल होंदी है। मैं इहनू 2 to 3 मिनट पकाऊंगी ताकि जिहड़े मसाले उह चंगी तरह भुज जाण, फिर आपां दोबारा देखते हैं। आप देखते हैं हुण 2 to 3 मिनट
मसालों चंगी तरह भुनन तो बाद इस तरह बहुत वधिया खुशबू आन लग गई है। हुण तकरीबन 1 किलो चिकन है जिहड़ा मैं इहदे च पा दूंगी। आपां हुण इहनूं पहलां सिर्फ चिकन नूं मसाले दे विच पा के हिलाउणा है और 2 तों 3 मिनट लई कम से कम इहनूं पकाउणा है ताकि जिहड़ा आपां मसाला बनाया है ना तरी दा या ग्रेवी दा जिद्दां वी कह लो ओ चंगी तरह चिकन दे उपर आ जाए और इहदे अंदर तक रच जाए क्योंकि इहनूं आपां मैरीनेट नहीं करदे, इहनूं आपां कुछ नहीं करना। सॉरी अगर कैमरा हिल रहा है थोड़ा बहुत तो क्योंकि ड्यू टू सम रीजन मेरा कैमरा मैन मेरे को इस टाइम नहीं है, मतलब मनदीप थोड़ा जा गए उधर, मान्या नूं जरूरत सी और मैं इन्नी वेट कर नहीं सकती सी क्योंकि मसाला पुज चुका सी। तो हुण मैनूं तुसीं देखिया पूरे चिकन दे उपर मसाला चढ़ गया। हुण आपां इहनूं 2 तों 3 मिनट दोबारा पकण दे। तो तुसीं देखो आपां हुण 2 तों 3 मिनट लई आपां इदां ही इहनूं पकाया है ताकि जिद्दां ना चिकन मसाला बन जाए ये, ठीक है। वैसे अगर आपां इदां बनाईए भी बहुत स्वाद बनता है पर आपां इदां बनाना नहीं, आपां अज जिहड़ा अपना मोटिव है आपां उही रखना है। आपां इहनूं बनाना है तरी वाला चिकन या आपां जिहनूं कहिंदे करी चिकन। तो हुण मैं इहदे च पाऊंगी पानी। हुण तुसीं इस चीज़ का ध्यान रखना है जे तुसीं थोड़ा पतली तरी वाला बनाना है तुसीं पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखियो, जे तुसीं इहनूं थिक ग्रेवी वाला बनाना है तुसीं पानी की क्वांटिटी थोड़ा घट रख लो। चिकन नूं हमेशा अगर तुसीं कढ़ाई च बनाओगे वो ज़्यादा वधिया बनेगा, बकायदा कि जे तुसीं इहनूं कुकर च बनाओगे, ठीक है। कदे बना के देख लो, डिफरेंस तुहानूं अपने आप ही पता लगेगा, ठीक है। मैं इहनूं ज़्यादा नहीं करना क्योंकि चिकन है तुहानूं पता है फिर हो जाता है। बस हल्का हल्का आपां इहनूं हिला देना सी कि जिहदे ने हले रिझना है 15-20 मिनट ते इहदी किन्नी थिकनेस आ जानी है इहदी ग्रेवी दे विच। मैं इहनूं पतला रखूँगी पर इहदी ग्रेवी थोड़ी थिक रहेगी क्योंकि मैं मसाला बहुत सोहना भुनिया और क्वांटिटी मसाले की ज़्यादा रखी है, ठीक है। तो इहनूं मैं पतला पर ग्रेवी स्टाइल रखूँगी, तुसीं एंड ते देख लियो। हुण आपां इहनूं बस हल्का हल्का हिलाता है ते इहनूं आपां देना है ढक ते इहनूं आपां वेट करनी है पक्कन दी। आई थिंक एक तकरीबन 15 तों 20 मिनट आराम नाल चिकन पक जांदा है। चिकन है एक जिहड़ा बकरा मीट हुंदा टाइम लैंदा लेकिन चिकन बहुत ईजीली बहुत जल्दी पक जांदा है। तो यह 15 तों 20 मिनट लेगा कढ़ाई दे विच इदां पक्कन लई। अगर 15 तों 20 मिनट लेगा तो इहदा मतलब यह है पहले 15 मिनट असीं इहनूं फुल ते पका लांगे, बाद वाले 4 तों 5 मिनट असीं इहनूं सिम ते पकावांगे। फुल ते पकावांगे तो इहदी जिहड़ी रंगत है वह चली जाती है कई बार, उस तो बाद इहनूं एंड ते 4-5 मिनट लई सिम ते पका लो। एक ट्रिक है तो जिहड़ी इहदी रंगत है ना लाली है वह उपर आ जानी है, ठीक है। तो हुण आपां इहनूं कुछ नहीं करना, इहनूं हिलाउण की लोड़ नहीं, वारी वारी इहनूं कुछ करन की लोड़ नहीं, जस्ट इहनूं आपां अंदाजे नाल ही मैं तो करूँगी, तुसीं अपना देख के भी कर सकते हो। 15 कु मिनट इदा पका लो, उस तो बाद चेक कर लो अगर तुहानूं लगता है कि ना मात्र कसर है कि 2-4 मिनट की, बस उस बाद इहनूं सिम ते कर दो। सिम ते करन तो बाद इहनूं थोड़ा जिहा फिर पका लो, सिम ते पकदे पकदे इहदी रंगत भी आ जाएगी और पूरी तरह पक भी जाएगा। तो हुण आपां मिलदे हां 15 मिनट बाद जदों पक के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो अपना चिकन बन के तैयार है। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ 12-13 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਸਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਮ 'ਤੇ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਰੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਓ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਨੀਆ, ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੂਬ ਸਾਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਕਨ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨੀਆ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਕਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਕਾਇਆ, ਧਨੀਏ ਨੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਪਏ ਹੀ ਸੋਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚਿਕਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੇਟਿੰਗ।
बहुत ज़्यादा यमी डिलीशियस, हर एक वर्ड तुसी यूज़ कर सकते हो, बहुत वधिया बने एक्चुअली ये, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। इनफैक्ट हर घर च मैनूं लगता यही ज़्यादातर बनती है और तुसी इनू बना सकते हो सिर्फ अद्धे घंटे के टाइम के, अद्धा घंटा लगता है इन टोटल, क्योंकि इनू मैरीनेशन नहीं चाहिए कुछ, इनू प्रैपरेशन टाइम नहीं चाहिए, तो यह अद्धे घंटे के बन के तैयार हो जाती है। तो देखो अपना चिकन बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स तुसी देख लिया अपना चिकन बन के बिल्कुल तैयार है, बहुत ईजी वे ना मैं तुहानू सिखाया, तुसी बना सकते हो। अगर तुहानू मेरी रेसिपीज पसंद आती है एंड ते जरूर कहूँगी लाइक जरूर करया करो। मैनू बहुत लोगों के फोन आते हैं, इनफैक्ट मैसेजेस आते हैं, वो कहते हैं उन्होंने रेसिपीज ट्राई की है तो लाइक तो बनता ही है और वधिया बनी है तो डेफिनेटली बनता है। सबसक्राइब भी करो, तो अगर तुहानू मेरे व्लॉग्स से रेसिपीज पसंद आते हैं तो शेयर करना ना भूलो। मिलते हैं हुण अगले व्लॉग के।